संस्कार वाटिका में पधारे सभी प्यारे बच्चों एवं देवतुल्य अभिभावकों को मैं अजय भरतिया पवित्रम गोसेवा परिवार की ओर से सादर अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। आज हम सब सूर्य अर्घ किस प्रकार दिया जाए या सूर्य की पूजा किस प्रकार की जाए इस विषय पर जानने के लिए यह वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य पूजा की परंपरा, सूर्य नमस्कार की परंपरा युगो युगों से रही है। यो कहा गया है कि भगवान श्री राम ने जब रावण के साथ युद्ध किया था तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें सलाह दी कि आप भगवान सूर्य की आराधना करें, फिर युद्ध को आरंभ करें। और वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्त्रोत का वर्णन आता है कि भगवान राम ने युद्ध के पूर्व सूर्य देव की आराधना की। वैसे भी भारत में हमेशा से ऋषि मुनियों द्वारा सूर्य आराधना की परंपरा रही है। सूर्य ही सभी ऊर्जाओं का स्रोत है और हर धर्म में सूर्य पूजा की परंपरा, हर वर्ण में, हर पंथ में सूर्य पूजा की परंपरा रही है। सूर्य के बिना समस्त सृष्टि ऊर्जा विहीन है। सारी ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। जो धरती के अंदर आज जो कोयला बना हुआ है, वो कोयला भी कभी न कभी सूर्य की ऊर्जा लेकर ही वो कोयला बना है। तो इसलिए आइए हम सूर्य के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे ज्ञापित करें, उसकी एक छोटी सी विधि अपनी भारतीय विधि में, भारतीय समाज में हमेशा युगो युगो से की जाती रही है। हम लोग सुबह सुबह प्रातः स्नान के बाद और संध्या के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं। इसमें एक छोटा सा श्लोक है, उस श्लोक को बोलने के बाद 3 बार भगवान सूर्य को जल देना है। जल देने के लिए यदि तांबे का इस प्रकार का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी पात्र चलेगा। इसमें लाल फूल और रोली चावल भी साथ में रहे और अच्छी बात है। और तुलसी का वृक्ष हो तो पूर्व की तरफ मुंह करके तुलसी के वृक्ष में जल दे। तुलसी का वृक्ष न हो तो पीपल का वृक्ष या अन्य कोई भी वृक्ष हो तब भी चलेगा। और यदि कोई कारण से वृक्ष न उपलब्ध हो पाए तो इसी प्रकार धरती पर भी आप ये जल दे सकते हैं। भगवान सूर्य को नित्य जल दे तो हमारी अनेकानेक हम लोग विपदाओं से भी दूर होते हैं और हमारा दैनंदिन भगवान सूर्य के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो हमारा कर्तव्य है वो भी पूर्ण होता है। आइए अब वो श्लोक इस प्रकार है जिसे सभी बच्चों को कंठस्थ करके याद करना है। सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मा भक्त्या घृणार्द्यम दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और इसके पश्चात 3 बार भगवान सूर्य की हम लोग खड़े खड़े प्रस्थान पर परिक्रमा कर लें और हमारा दिन उज्ज्वल हो, ऊर्जा में हो, भगवान सूर्य की तरह हम भी समाज को प्रकाशित कर सकें, स्वयं जलकर दूसरों के लिए कुछ कर सकें, इसी कामना से भगवान सूर्य की आराधना है। इसे सभी को अपने जीवन में उतारना है, केवल सीखना नहीं है, सीख करके अपने जीवन में कणकण में इसे आत्मसात करना है। इसी भावना से जय श्री राम, जय गो माता।